Assalamualaikum. Today we are going to perform the experiment of hardness. Hardness in many water sample. उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे उसके reagents पहले तैयार करने होंगे. ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, एक्चुअली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हार्डनेस होती क्या है. हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स डिजॉल्व हो जाते हैं. किसी भी में भी कोई रॉक्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन है, उसमें ग्राउंड वाटर में अगर अंडर सरफेस जो है वो की सरफेस के नीचे जो है वो लाइमस्टोन वगैरह मौजूद होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वाटर जब कॉन्टैक्ट में आता है उन रॉक्स के साथ तो उसमें जो है वो डिजॉल्व हो जाता है. तो जिसकी वजह से जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइंस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वाटर हार्डनेस, इसमें हार्डनेस आ गई, ये हार्ड वाटर है. तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जब भी वो वाटर हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो है वो घर के यूज़ में ही हो जाता है कि सोप जो है वो फोम उससे नहीं बनता. हार्ड वाटर जब हम उसमें सोप में यूज़ सोप को यूज़ करते हैं हार्ड वाटर के साथ, तो हमें फोम की ज़रूरत होती है जो कि नहीं बनता. उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी जब हार्ड वाटर यूज़ करते हैं तो उसमें स्केलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है. मोस्टली जब बॉयलर्स में यूज़ किया जाता है ना इंडस्ट्रीज़ में हार्ड वाटर, तो उस केस में क्या हो जाता है कि बॉयलर्स के बॉल्स पे स्केलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स और कार्बोनेट्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं. तो इस तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हार्ड वाटर को पहले सॉफ्ट किया जाए. जिस अब हार्ड वाटर हार्डनेस की भी दो तरह के टाइप्स है, एक टेम्प्रेरी हार्डनेस एक परमानेंट हार्डनेस. और जो टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की वजह से होती है, और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स की वजह से होती है, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट्स एंड कैल्शियम सल्फेट्स, और इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. टेम्प्रेरी हार्डनेस हम सिंपल बॉइलिंग से भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस के लिए हमें डिटेल्ड प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है, जिसको आज हमें डिस्कस नहीं करना. हम सिर्फ परमानेंट हार्डनेस को मैयर करना भी सीखेंगे, और रिमूव करने का तो मैंने मेथड बता दिया कि सिंपल बॉइलिंग से वो रिमूव हो जाती है. तो यहाँ पे जब जिसको मैयर करने लगे हैं वो टेम्प्रेरी हार्डनेस. अच्छा, तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि हमें जो है वो कुछ रिएजेंट्स रिक्वायर्ड होंगे. सबसे पहले मैं प्रोसीजर को डिटेल्स में बताने से पहले बता दूँ कि जो रिएजेंट्स चाहिए वो हमें अमोनिया बफर सोल्यूशन चाहिए, और हमें 0.02 नॉर्मल EDTA का सोल्यूशन चाहिए. ये दोनों हमें यहाँ पे खुद से बनाने पड़ेंगे, ये इस तरह से अवेलेबल डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते कहीं पर, तो हम लोगों को यहाँ पे बनाने पड़ेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो रिएजेंट बनाने के लिए चीज़ें केमिकल्स और एपरेटस जो है वो रखा हुआ है, वो है अमोनिया बफर सॉल्यूशन, जिसको मैं पहले बनाना आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे बनाना है. जो हम लोगों को एपरेटस रिक्वायर्ड है अमोनिया बफर सॉल्यूशन के लिए, अमोनिया इसके लिए हम लोगों को फ्लास्क चाहिए 250 ml, ठीक हो गया. उसके अलावा हमें बीकर्स चाहिए और स्टिरर चाहिए, और जो केमिकल्स हम लोगों को चाहिए वो ये हैं कि एक चाहिए हम लोगों को सबसे पहले तो अमोनिया बफर चाहिए हम लोगों को 153 ml. उसके बाद हम लोग को चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि हम लोगों को चाहिए, मैंने सब चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी करके रखी हुई हैं, जो कि हम लोगों को चाहिए 0.78 grams. उसके अलावा हम लोगों को चाहिए EDTA हम लोगों को चाहिए 1.2 grams, और उसके अलावा हम लोगों को चाहिए अमोनियम क्लोराइड हम लोगों को चाहिए 16.9 grams. ये यहाँ पे सारी मैंने पैट्री डिशेज में इसको वेट करके जितना रिक्वायर्ड है उसका मैंने रख दिया हुआ है. और उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 153 ml दो जो है मेयरिंग बैलेंस में ये भी रख लिया. हम लोग के पास 100 ml से ज़्यादा का मेयरिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने मेयरिंग सिलेंडर हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने मेयरिंग सिलेंडर दो यूज़ करके उसमें मैंने 153 ml इकट्ठा कर लिया. डिस्टिल्ड वाटर हमें चाहिए उसके लिए. अब ये जो सारी हमारे पास केमिकल्स हैं इनको हम लोग एक मिक्स करेंगे सारा का सारा, और इसको हम लोग 253 ml तक डिस्टिल्ड वाटर से उसको फिल कर लेंगे. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर पहले से एक बीकर में थोड़ा सा रखा हुआ, जिसके अंदर पहले मैं ये सारे जो रिएजेंट्स हैं इनको मैं एक साथ मिक्स करूँगी. मिक्स करने के बाद इसको मैं 250 ml की जो मेरे पास फ्लास्क अवेलेबल है इसमें डाल के 250 ml तक इसको फिल कर दूँगी. तो अब मैं आप लोगों के सामने इसको आप लोग किसी भी करके दिखाती हूँ. मेरे पास स्टिरर मौजूद है, मैं बारी बारी इन केमिकल्स को इसके अंदर डालूंगी डायरेक्टली, कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं रिक्वायर्ड होगी इसके अंदर मिक्स करने के लिए. सॉलिड्स से इनको मैंने यहाँ से चेक करके आपको बता रही थी, ये मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया है
तो सेपरेटली मैंने थोड़ा सी अमाउंट जो है वो अलग कर ली है। अब इसमें मैं ये भी ऐड कर दूंगी। इसको स्लो ऐड करना है क्योंकि ये जो है वो आपको इसकी स्मेल बहुत शार्प होती है जो कि अफेक्ट कर सकती है। ये देखें हमारे पास मिक्स हो गया। अब इसको हम सिंपली इसमें ऐड कर देंगे, बल्कि मैं इसके लिए फनल यूज कर लेती हूँ ताकि किसी किस्म की स्प्लैशिंग ना हो। जैसे मैंने बताया ये बहुत शार्प होती है इसकी अमोनिया बफर की जो पिंचिंग होती है स्मेल इसकी को। ये अमोनिया बफर सोल्यूशन हमारे पास रेडी हो गया। आप इसको हम लोग साइड पर रखते हैं और हम अपना 0.02 नॉर्मल EDTA सोल्यूशन रेडी करेंगे जो कि एक्चुअली हमें टाइट्रेशन में रिक्वायर्ड होगा एज अ टाइट्रेंट। चले हम इसकी तरफ चलते हैं। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने अपना रिएजेंट तैयार करना है वो है 0.02 नॉर्मल EDTA सॉल्यूशन। उसके लिए मैंने यहाँ पे देखने हमने EDTA जो हमारे पास उसका हमने ले लिया 3.7 ग्राम्स हम लोगों को EDTA चाहिए था। उसको हमने लोगों मिक्स करना है 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में। तो ये यहाँ पे मैं सिंपल ये 1000 ml की मैंने बीकर में डिस्टिल्ड वाटर ले लिए और इसमें मैं 3.7 ग्राम्स EDTA ऐड कर दूंगी और ये मिक्स करना है इसको प्रॉपरली। और ये सॉल्यूशन भी हमारा रेडी हो गया है। इसको ये टाइटल है हमारी टाइट्रेशन के लिए अल्टीमेटली की तरह ये भी हमारा टाइट्रेशन की खूबसूरत फ्रेमस है।